तो आ गए, कैसे आप लोग। तो आज हम बात करते हैं कि इंटरनेट पर आपको कैसे कोई भी वेबसाइट ट्रैक नहीं कर पाए। आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे उससे आपके बहुत सारे सवाल का जवाब मिलेगा, जैसे कि इंटरनेट पर एनोनिमस कैसे रहा जाए, आपका जो ट्रैक इंटरनेट पर आप क्या करते कोई भी आपको ट्रैक नहीं करेगा। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा आंसर मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गैजेट वाले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जिस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले वो आखिर एक सर्च इंजिन है, उसका नाम है DuckDuckGO। ये बिल्कुल एक गूगल के जैसे ही सर्च इंजिन है, लेकिन इसका एक स्पेशलिटी है, इसका जो टैगलाइन है द सर्च इंजिन दैट डजंट ट्रैक यू। आप सोच सकते कि जिसका टैगलाइन है कि एक सर्च इंजिन जो आपको ट्रैक नहीं करेगा वो कितना सिक्योर हो सकता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गूगल बुरा है, गूगल सबसे बेहतर सर्च इंजिन है, लेकिन हर एक सर्च इंजिन का काम करने का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। गूगल एक ऐसा सर्च इंजिन है जो आपके बिहेवियर, आपको जो जो इंटरनेट पे सर्च करते हैं वो सब कुछ को ट्रैक करता है, क्योंकि वो जो सर्च रिजल्ट है वो दूसरे एफिलिएट कंपनी को भेजता है। अब एफिलिएट कंपनी को क्यों भेजता है, क्योंकि गूगल का जो अर्निंग होता है वो ऐड से होता है, और दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी गूगल के पास आता है अपना ऐड देने के लिए। उस कंपनी का जो ऐड वो गूगल उन लोगों को दिखाएगा जो कि उन प्रोडक्ट्स पे इंटरेस्ट है। अब ये बात गूगल को पता चलेगा कैसे, उनके सर्च रिजल्ट को स्टडी करने से। इसी तरह गूगल, याहू, मोजिला फायरफॉक्स, सारे वेब ब्राउजर ऐसे ही काम करता है। आप सब ऐसा देखे होंगे, या फिर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ, मैंने कुछ दिन पहले अपना नया कंप्यूटर खरीदा था, उसमें जो रैम था मैंने उसका सर्चिंग अमेजोन पे किया था कि कोर्सेयर का 3000 मेगाहर्ट्ज मुझे रैम चाहिए। मुझे जो मॉडल वहाँ पर दिखा था, मैंने उसके बाद फेसबुक ओपन किया था, बिल्कुल उसी प्रोडक्ट का एड मेरे फ्रंट पेज पे था। हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो। फिर उसके बाद मैंने एक ऑनलाइन गेमिंग साइट को खोला, वहाँ पर भी बिल्कुल सेम ऐड है। और आपको एक और बात बता दूँ, जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला वहाँ पर भी वो ऐड मुझे दिखा। मतलब सोच सकते हैं कि मैंने अमेजोन पर जो कुछ भी सर्च किया वो कुकीज़ के जरिए गूगल पर स्टोर हो गया। मतलब गूगल को पता चल गया कि मुझे ये चीज़ में इंटरेस्ट है, तो गूगल के पास उस चीज़ का जो भी ऐड है वो मेरे सामने पब्लिश करता गया। और इससे क्या होगा कि गूगल के जो अर्निंग वो बढ़ेगा और मेरा जो खरीदने का प्रोबेबिलिटी वो भी बढ़ेगा। और ये गूगल का कोई दोष नहीं है, सारे वेब ब्राउजर ऐसे ही काम करता है। लेकिन DuckDuckGO का पॉलिसी बिल्कुल अलग है। DuckDuckGO एक ऐसा वेब ब्राउजर है जो आपको बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करेगा। एक छोटा सा कंपनी है जिसमें बस 55 एम्प्लॉई है, तो सोच सकते हैं कि कितना छोटा कंपनी है। और ये सच है इतना सिक्योर है कि काली लिनक्स जैसे ही आप इंस्टॉल करते उसमें जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर वो DuckDuckGO रहता है। और एप्पल का जो अपना वेब ब्राउजर है जो कि सफारी ब्राउजर, एप्पल ने कुछ महीने पहले DuckDuckGO कंपनी को एक ऑफर दिया था कि एप्पल का प्राइवेट वेब ब्राउजर हिसाब काम करने के लिए। मतलब एप्पल का नॉर्मल वेब ब्राउजर है सफारी और प्राइवेट वेब ब्राउजर है DuckDuckGO। तो आप सोच सकते हैं कि DuckDuckGO कितना सिक वेब ब्राउजर है। और टॉर ब्राउजर जो कि हैकर्स का पसंदीदा वेब ब्राउजर है, उसका डिफॉल्ट ब्राउजर भी DuckDuckGO ही है। तो आप समझ चुके होंगे कि DuckDuckGO के साथ दूसरे वेब ब्राउजर का क्या डिफरेंस है। और एक और बात मैं बता दूं, जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो तो आपके सामने जो सर्च रिजल्ट आएगा वो आपके जो बिहेवियर, मतलब पहले जो चीज़ आप सर्च किए हो उसके मुताबिक आएगा। मतलब आप कोई चीज़ अगर जब सर्च की हो, आपके सामने जो रिजल्ट होगा दूसरे पर्सन अगर वही चीज़ सर्च करते हैं उसके सामने थोड़ा सा अलग होगा, तीसरे के सामने थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि DuckDuckGO आपको ट्रैक नहीं करता, इसीलिए आपके बारे में उसके पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक पर्सन जो DuckDuckGO में कोई चीज़ सर्च कर रहा है उसे जो भी सर्च रिजल्ट दिखेगा, दुनिया के हर एक इंसान जिसने भी DuckDuckGO इस्तेमाल किया है उसे एकदम सेम सर्च रिजल्ट आएगा। और DuckDuckGO का एक स्पेशल फीचर है कि शायद किसी ने आपको नहीं बताया, वो है साइट रेटिंग। आप जो भी साइट ओपन करते हो उसमें इनबिल्ट ट्रैकर होता है। मैंने कहा था ना कि आपका जो बिहेवियर है वो ट्रैक होता है। अब हर एक साइट पे अलग अलग ट्रैकर इंस्टॉल होता है। जैसे कि अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा दूंगा। देखिए DuckDuckGO को जैसे ओपन करेंगे तो ये फ्रंट पेज आएगा और नीचे लिखा है द सर्च इंजिन दैट डजंट ट्रैक यू। और ये जो ब्राउजर है ये आपके एक्सटेंशन के जरिए दाएं तरफ आ चुका है। देखिए यहाँ पर DuckDuckGO का एक्सटेंशन भी आ चुका है। अब अगर कोई भी साइट को ओपन करेंगे तो उसका जो ट्रैकर पोजीशन है या फिर वो साइट आप पर कितना नज़र रख रहा है वो आपको एक रेटिंग देगा। ए रैंक मतलब बहुत ही बढ़िया है, मतलब उसमें वो आपको ट्रैक नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं कोई पॉपुलर साइट का। पहले हम अमेजोन को देखते हैं। मैंने अमेजोन खोल लिया है, देखिए इसका ट्रैकिंग है C+।
मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे ये तो C प्लस होगा ही क्योंकि एक शॉपिंग साइट है और शॉपिंग साइट में तो हजारों ट्रैकर लगा होता है जिससे कि आपके बिहेवियर के बारे में पता चले। अब देखते हैं गूगल का रेटिंग। देखिए गूगल में D, अमेजोन में C प्लस, मतलब अमेजोन से ज़्यादा गूगल आपको ट्रैक कर रहा है। आप देखते हैं यूट्यूब, देखिए D, तो आप समझ चुके होंगे कि कौन सा वेबसाइट आपको कितना ट्रैक कर रहा है। देखिए अमेजोन एक शॉपिंग साइट है, सी प्लस, जितना ट्रैक कर रहा है उससे ज़्यादा ट्रैक कर रहा है आपको गूगल, क्योंकि गूगल को आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे आपके सामने परफेक्ट एड्स वो दिखा सके। यूट्यूब देखिए डी, अब फेसबुक को देखते हैं, देखिए फेसबुक में सी प्लस। तो समझ चुके होंगे DuckDuckGO आकर कैसे काम कर रहा है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।